नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन सॉल्यूशन चैनल और मैं हूं नीरज आर्य। तो आज हम आपको बताएंगे एसिडियोसिस के बारे में, यानी अम्लता के बारे में। पशुओं के अंदर एसिडियोसिस की समस्या हो जाती है। इसके अंदर पशु क्या है, चारा कम खाता है, पानी जो है अधिक पीता है, और इसके अंदर आपके पशु के अंदर डायरिया यानी कि लूज मोशन की समस्या भी हो जाती है। पशु पतला गोबर करता है और गोबर के साथ जो है इसमें आव आती है। पशु दिन पर दिन जो है निढाल सा कमजोर होता जाता है और अंत में आके जो है इसमें पशु का पेशाब बंद हो जाता है और उसका गोबर जो है वो बिल्कुल आना बंद हो जाता है। इसमें पशु मर भी सकता है। उसके बाद जो बिल्कुल पशु जो है सब कुछ चारा वगैरह जो है सब त्याग देता है, कुछ भी चीज नहीं खाता है और आव जो है गोबर के अंदर देखी जा सकती है। तो हम आज आपको एसिडियोसिस के बारे में बताएंगे। ये एसिडियोसिस जो है बकरियों में जितने भी रूमिनेंट हैं, जो जुगाली करने वाले पशु हैं, सब में इस तरह की समस्या हो जाती है। कारण क्या होता है, जब पशु को आप अधिक कार्बोहाइड्रेट्स खिला देते हैं, जैसे आलू खिला देते हैं, अधिक अनाज खिला देते हैं, कोई भी चीज ज्यादा खिला देते हैं, तो उसमें इस तरह की समस्या आ जाती है, जिससे उसका रुमेन जो है उसकी गति जो है रुमेन की कम हो जाती है, जिससे पशु जो उसका डायरिया की समस्या आ जाती है, आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आप जो है कीड़े की दवाई देंगे यानी कि डिवॉर्मिंग करेंगे, और उसके बाद कुछ दवाइयां हैं जैसे नेवलॉन पाउडर है और दूसरी चीजें हैं एंटी डायरल मेडिसिन हैं, ये देंगे। तो दोस्तों आज आपको दिखाते हैं क्या इसके अंदर एक समस्या है और क्या इसके लक्षण है, क्या पहचान है। तो एसिडियोसिस के अंदर यानी कि अम्लता यानी एसिड बन जाता है, तो इसकी वजह से ये समस्या होती है। यदि सामान्य कारण की बात करें तो अधिक मात्रा में जब पशु कार्बोहाइड्रेट्स वाले पदार्थ खा लेता है तो उसके पेट में जो है यानी कि रूमेन के अंदर किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन हो जाती क्रिया हो जाती है, जिससे रूमेन का जो पीएच है कम और अम्ल यानी कि एसिड अधिक हो जाता है। तो रूमेन में तरल पदार्थ यानी लिक्विड फ्लूइड बन जाता है, इसकी मात्रा जो है अधिक हो जाती है, जिससे रूमेन की गति यानी काम करने की क्षमता जो है कम हो जाती है, चाल कम हो जाती है। यदि बात करें कारण की, तो अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जैसे हमें बताया कि पदार्थ कौन से हो सकते हैं, अनाज हो सकता है, गेहूँ, जौ, चावल, चुकंदर, आलू, चीनी इत्यादि जो भी अधिक मात्रा में खा लिया है उसकी वजह से समस्या हो जाती है। जैसे शादी का बचा हुआ खाना बच जाता है, उसको मसाले ज़्यादा होते हैं, उसको खिलाने से भी यह समस्या हो जाया करती है और पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन के कारण हो जाती है। सामान खराब हो गया है, अधिक मात्रा में दाना खिलाने के कारण हो जाती है, दाने का बदल देना, जैसे ज्वार की बजाय गेहूँ खिला दिया है ना, और सड़ा हुआ चारा साइलेज खिला दिया या नया भूसा खिला दिया आपने, उसके अंदर गर्मी होती है, इस वजह से समस्या होती है। अब बात करेंगे लक्षण की यानी कि सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स सबसे पहले सिम्टम्स हैं, इसमें पशु अचानक खाना पीना एकदम कम कर देता है, धीरे धीरे पशु खाना बिल्कुल बंद कर देता है, पानी पीना भी बंद कर देता है और इसमें दस्त हो जाते हैं, फिर दस्त होने के बाद जो है पानी भी अधिक पीता है। पशु बहुत उदास हो जाता है, सुस्त हो जाता है, बिल्कुल निढाल हो जाता है, चलने फिरने में जो है बिल्कुल असमर्थ हो जाता है और रूमेन की गति जो है कम हो जाती है, उसका हाजमा जो है कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये पहचान जो मैंने बताई है आपको, ये पहचाने हैं। और आगे बात करेंगे, पशु के पेट दोनों तरफ से फूला हुआ दिखाई देता है, रूमेन में पानी भरा हुआ महसूस देता है, वो पशु को जो है पेट में दर्द भी हो सकता है, सांस लेने में समस्या हो सकती है, वो पशु एक साइड जो है पशु अपने पेट को देखता रहता है, पशु को हल्का दस्त हो सकते हैं, गोबर का रंग बदल जाता है, अनाज खाने पर गोबर कड़ा हो जाता है, गहरे रंग का म्यूकस युक्त कम मात्रा में होता है, जबकि सड़ा हुआ गला चारा खाने से गोबर कम मात्रा में और बदबूदार पतला होता है, बीमारी बढ़ने पर पेशाब कम हो जाती है, गंभीर स्थिति में नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, रोग के अन्य परिणामों में लंगड़ापन या गर्भपात भी हो सकता है, पशु आपका गाभिन है। और डायग्नोसिस की बात करें तो रोग की पहचान उसके खाने पीने के अनुसार या रूमेन के फ्लूइड की पीएच की जांच लैब में की जाती है। और उपचार की बात करें तो उपचार के अंदर आज मैक्सल्फ मैग्नीम सल्फेट या सोडियम बाइकार्बोनेट देकर जो है उसको पेट को साफ किया जाता है। इसमें आप खाने का सोडा 120 ग्राम दे सकते हैं सुबह शाम। चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ये जो पशु का गोबर देख रहे हैं आप, ये दस्त है, इसके अंदर जो है आव भी आ रही है, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। तो ये पशु जो है एक गाय और भैंस दो हैं, और नया भूसा खिलाने के कारण और मात्रा में आलू खिलाने के कारण जो है समस्या हो गई थी, जिसके कारण जो है गोबर के अंदर ये आंव देख सकते हैं आप, आंव निकल रही है।
और पशु इसकी वजह से जो है दिन पर दिन कमज़ोर हो जाता है और चारा वगैरह खाना बंद कर देता है, पानी भी कम कर देता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये आयुर्वेदिक दवाई है जिसका नाम है नेवलोन, इंडियन हर्ब कंपनी का। तो इसकी ये 100 ग्राम होता है ये, तो इसमें 50-50 ग्राम की जो है दो खुराक बन जाती हैं। तो 50 ग्राम इसको जो है चावल के मांड के अंदर मिला के, ये पतले पतले चावल के अंदर मिला के जो है इसको 50 ग्राम दिन में 3 बार, समस्या ज़्यादा है 3 बार और 2 बार दे सकते हैं, 3 बार की इसकी खुराक है वैसे। और बकरियों की बात करें तो बकरियों के अंदर जो है 20-30 ग्राम की खुराक देनी है और गाय भैंस में जो है आपको देनी है 50 ग्राम। तो 3 बार देने से जो है इस पाउडर से डायरिया में यानी कि दस्तों में काफ़ी आराम मिलता है। और पशु यदि ना खाए तो इसमें आप चोकर का यूज भी कर सकते हैं और पशु को दे सकते हैं, पशु इसको बड़े आसानी के साथ जो है खा लेता है। इस पाउडर का कोई भी यूज नहीं है, पूर्ण रूप से प्रेगनेंसी सेफ है, गाभिन पशु को भी इसको दे सकते हैं। ये देखिए ये गाय को खिलाया जा रहा है, इसी प्रकार जो है फिर दूसरे टाइम देना, तो 2 टाइम देना है, 3 टाइम देना है आपको, तो 2 दिन तक खिलाने से जो है ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जो भूसा होता है उसको जो है पानी में भिगा दें रात को, और तो भिगा के जो है जब खिलाया जाए जिससे उसकी गर्मी वगैरह जो है निकल जाए और दस्त की समस्या ना बने। तो धीरे धीरे जो है ऐसा करेंगे आप तो ह्यूमन की जो गति है, ह्यूमन की जो काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और पशु जो है ठीक हो जाता है। अब दूसरी खुराक जो है, दूसरी खुराक देंगे, एक भैंस भी है हमारे पास, तो इस प्रकार जो है स्केल से तोल लें या पुड़िया को जो है आधी आधी कर लें, क्योंकि हमें वीडियो बनानी है हमें तो बिल्कुल सही दिखाना पड़ेगा, तोल के फिर भी आधा आधा कर सकते हैं आप, और इसको जो है पशु को दे देंगे। सबसे पहले बात करेंगे, इससे पहले जो है पशु को पेट के कीड़े की दवाई दे दें, पेट के कीड़े की दवाई जैसे पशु गाभिन है आपका फेनबेंडाजोल दे सकते हैं, पेनाक्योर MSD कंपनी की या कोई और फैंटास दे सकते हैं इंटास कंपनी की। उसके बाद देने के बाद जो है ये आप नेवलोन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से पानी में भी दे सकते हैं आप और चावल के मांड में भी दे सकते हैं। मांड में जो है इसके बढ़िया रिजल्ट हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है और पशु बड़ी आसानी के साथ जो है इसको खा लेता है। यदि नहीं खाता है तो थोड़ा चोकर वगैरह जो है आप इसमें मिला सकते हैं, इससे पशु आसानी से वो खा लेता है। अब देखो चोकर मिलाने से जो हुआ है ये पशु इसको आसानी के साथ बड़े चाव के साथ जो है खा रहा है। तो 3 टाइम तक जो है आपको देना है, सुबह दोपहर शाम 3 बार, तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें फिर देखे गए हैं। जैसे जैसे पशु इसको खाएगा तो दूसरे दिन आराम इसको लगना शुरू होगा और गोबर जो है बिल्कुल ठीक होने लगेगा, थोड़ा पतला रहेगा, धीरे धीरे गोबर ठीक हो जाएगा और पशु की हालत में भी जो है सुधार आएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे गोबर थोड़ा टाइट होने लगा है और धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये चीज़ आप 2-3 दिन तक इसको खिलाते रहेंगे, ये देखिए गोबर बिल्कुल ठीक होने लगा है और पशु जो है एक्टिव भी हो गया है काफ़ी। और पहले देखा तो आपने जो है इस तरह का 10 का आम मिलावा गोबर था और दवाई देने के बाद जो है ये धीरे धीरे इसमें सुधार जो आया है, सुधार होने के बाद ये दूसरी स्टेज है और फिर इस प्रकार जो है गोबर और ठीक होने लगा है और अंत में जाके जो है गोबर बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से होने लगा है। तो पशु इसका मतलब आप ठीक हो गया है। और इसके साथ साथ जो है रूमेन की स्पीड बढ़ाने वाली जो है दवाई रूमेंटास भी आप इसको दे सकते हैं। जी हाँ, रूमेंटास दवाई इंटास कंपनी की, वो भी रूमेन की स्पीड बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। अब ये नेवलोन पाउडर की तीसरी खुराक यानी कि रात को ये भी आपको देनी है और ये पूरे दिन हमने जो दिया है इसको, सुबह दिया, दोपहर दिया और आप शाम को रात को दे रहे हैं। सुबह तक देखो इसको काफ़ी आराम मिल जाएगा, गोबर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा पशु,
आपका जो डाइजेशन है, हाजमा जो है दुरुस्त हो जाएगा। इस प्रकार आप करेंगे। ये तो चुप कर इसमें। काले काले इसी प्रकार फिर सुबह अगले दिन जो है फिर 50 ग्राम जो है ये खुराक आपको बनानी है और अपने पशु को जो है आपको देनी है। तो दूसरे दिन आप देखेंगे कि बिल्कुल पशु आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपको लगेगा कि वाकई में पशु को जो है फ़ायदा लगा है। यदि मांड की सुविधा नहीं है तो आप इसमें जो है ताजे पानी में भी इसको मिला के दे सकते हैं। देखेंगे आप गोबर जो है धीरे धीरे बिल्कुल गोबर ठीक हो जाएगा, पशु आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं गोबर पहले ऐसा था और दवा देने के बाद जो है इसमें आँव वानी बिल्कुल बंद हो गए हो जाएगी। ये जो जैसी आँव ये इसके अंदर से गोबर के अंदर से निकाली गई है और कीड़े की दवाई देने के बाद भी इसमें काफ़ी सुधार हो जाता है, आवानी बंद हो जाती है और उसके बाद गोबर इस प्रकार सही होने लगता है, आप देख सकते हैं। और बाद में जो है नेवलॉन पाउडर जो है ये दस्तों को बिल्कुल रोक देता है, ये एंटी डायरल जो है देसी दवा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।